बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खरीद से होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंथ यूनिवर्सिटी के थ्रू एमबीबीएस के लिए जो एडमिशन हो रहे हैं उनके बारे में, जो अभी इनकी एडवर्टीजमेंट भी आई हुई है। ये इसका हेड है जी, नम्स के थ्रू, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के थ्रू आया हुआ है। नम्स एंट्री टेस्ट 2021 फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस और बीडीएस, इसमें सारी डिटेल दी गई हुई है, आप लोग यहां से वन बाय वन चेक कर सकते हैं। इन पर्सन्स टू पीएमसी मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, एडमिशन सर्कुलम and conduct regulations 2021, NAMS will conduct its entry test for admission in the following constituent affiliated and all military armed force admission medical and dental colleges। ये जो है public sector medical college है, public sector dental college, ये private colleges की list दी हुई है यहाँ पे, आप लोग कॉलेजेस जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल ऑफ नम्स एंट्री टेस्ट जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए 12 जुलाई से 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, 10th of August लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ पेड चलान फॉर्म 11 अगस्त 2021 जो है वो उन्होंने डेट दी गई है। एंट्री टेस्ट के लिए 3rd of October संडे, एंट्री टेस्ट के लिए फीस जो है वो 3000, नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल। इसके अलावा इन एडिशन टू नम्स एंट्री टेस्ट, पासिंग नेशनल एमडी कैट विद 65% मार्क्स शैल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन अबव मेंशन्ड नम्स कॉलेज एज पर पीएमसी रेगुलेशन। 65% जो है वो आपके मार्क्स लाजमी होने चाहिए मिनिमम इनमें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ऑब्टेन्ड अ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSSC और एन इक्विवेलेंट 12 ग्रेड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज इन पाकिस्तान एंड हैविंग ऑब्टेन्ड मोर देन 65% मार्क, उस पर भी जो है 65% मार्क होने चाहिए आपके और हायर। उसके अलावा एज मे बी नोटिस बाय द मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल विल बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम। एग्जाम विल बी कम्पिटिटिव फॉर विच द सिलेबस इज अवेलेबल ऑन नम्स वेबसाइट, नम्स की वेबसाइट पे सिलेबस भी अवेलेबल है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैव अ broad based study and not restricted themselves to limited syllabus only। pattern of NAMS entry test जो दिया गया हुआ है इसमें 150 multiple choice होंगे और 150 minute होंगे। इसमें 60 marks 40% जो है वो biology से होगा, 25% जो है 38 marks chemistry, 25% फिजिक्स, 37 में एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश 10%, 15 एमसीक्यूज। द साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद इसके 30 मिनट जो है ना वो आपके पास टाइम होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। मेरिट शैल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर, हाउएवर क्वालिफाइंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट शैल बी मैंडेटरी। देर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी इसमें, आप लोग जो है वो सभी क्वेश्चन जो एम सी क्यूज होंगे उनको टिक कर सकते हैं कि आपके मार्क जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा एंट्री टेस्ट की लोकेशन ये उन्होंने दी गई है, इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद ICT के लिए और रावलपिंडी, झेलम, कारियाँ, गुजरावाला, सरगोधा, फैसलाबाद, लाहौर, उखाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर। सिंध में कराची, हैदराबाद, अनुवकिल, KP के में अबटाबाद, पेशावर, डीए खान, मुजफ्फर, AG के में मुजफ्फरबाद, बलोचिस्तान में क्वेटा। चॉइस ऑफ सेंटर, द कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट
any two of the above mentioned cities in order of preference for appearance in the entry test. आपके पास दो ऑप्शन, आप लोग यहाँ पे दो सिटी सेलेक्ट करेंगे और सीटिंग कैपेसिटी अगर एक सिटी में नहीं अवेलेबल तो आपको दूसरी सिटी में शफल कर देंगे। उसके बाद बेसिक क्वालिफिकेशन, इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी एल पर पीएमसी, इसमें एनी पर्सन बीइंग अ पाकिस्तानी आर एन ओवरसी आर फॉरेन नेशनल एंड बीइंग 16 ईयर ऑफ एज आर मोर, 16 ईयर एज होनी चाहिए या उससे ज़्यादा और शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्टर, वो एलिजिबल अहल है इसके लिए। देर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पर्सन हैविंग ऑब्टेन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन आर इक्वल एंड 12 ग्रेड क्वालिफिकेशन प्रायर टू अटेम्प्टिंग द टेस्ट। एफ एस सी या एच एस एस सी आर ए लेवल रिजल्ट डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड वेन रजिस्टरिंग फॉर नम्स एंड टेस्ट, ये चीज़ें इसके लिए रिक्वायर नहीं है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए ये इनकी वेबसाइट पे गेट रजिस्टर्ड प्लीज़ अप्लाई यूजिंग अ लैपटॉप और डेस्कटॉप ओनली। आप लोग जो है वो मोबाइल का नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ उन लोगों ने कहा लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही ओनली अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाइंग यूजिंग मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट सपोर्टेड, मोबाइल फ़ोन से सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो ये ध्यान में माइंड में ये बात रखेंगे, ये मोबाइल फ़ोन से अप्लाई नहीं होगा, सपोर्टेड नहीं है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉग इन नम्स एंट्री टेस्ट 2021 रजिस्ट्रेशन पोर्टल टू अपलोड द पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ बैकग्राउंड कॉपी ऑफ CNIC और बेफाम, ये चीज़ें आप लोगों ने एप्लीकेशन जब फिल करनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है तो ये चीज़ आप लोगों ने ये भी अपलोड करनी है। After that, download and print the challan form, pay it to the nearest HBL bank and upload the paid copy of the challan fee. जब आप लोगों ने फी पे कर देनी है आप लोगों ने challan form भी अपलोड करना है। The candidate must reach their respective center at least 3 hours before. 3 घंटे पहले आप लोगों ने जो है वो पहुँच जाना है, 7:00 बजे लिखा हुआ टाइम, 3 घंटे आप लोगों ने पहुँच जाना है। The center will be sealed or closed at 9:30 on the test day. Admit card or roll number slip will be generated in respect to all eligible candidate. Candidate are required to download it from NUM entry test portal. यहाँ से इसी वेबसाइट से आपको roll number slip भी मिल जाएगी। इसके अलावा by entering is our CNIC passport, ये आप लोग एंटर करेंगे तो आपके पास वो आपकी roll number slip आ जाएगी। इसके अलावा the candidate must bring following item with them on the test day. Printed admitted card download from website, ये आप लोग वेबसाइट से करेंगे, download along with the original bay form, आप लोगों ने original form bay जो है वो with original matric certificate bearing photograph of candidate or original CNIC or original passport आर एन आई सी ओ पी नो अदर आइडेंटिटी विल बी एक्सेप्टेबल, ये जो है ना ये चीज़ें इनमें से आप लोग जो है वो ओरिजिनल बेफाम टेस्ट के टाइम जो है वो साथ लेके जाएंगे और जो रोल नंबर स्लिप वगैरह होगी ये चीज़ें इन लोगों ने मैंशन की, या बेफाम है या नादरा से CNIC या पासपोर्ट है या विद ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है वो भी लिखा हुआ है। अ क्लीन क्लिप बोर्ड, क्लीन क्लिप बोर्ड होना चाहिए, जो गत्ता जिसको हम बोलते हैं। टू ब्लू आर ब्लैक बॉल पॉइंट नॉट पॉइंटर मार्कर पेंसिल गैलबेंस, ये नहीं होना चाहिए, ये टू ब्लू आर ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली। द स्टूडेंट मस्ट अडेयर टू गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP फॉर COVID-19 वेयरिंग प्रॉपर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, SOP का ख्याल रखना है। मोबाइल फोन स्मार्ट वॉचेज एंड अदर इलेक्ट्रिक गैजेट्स आर नॉट अलाउ इन द एग्जामिनेशन हॉल, अदरवाइज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन शैल बी टेकन विच मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ पेपर एंड विल बी डिबैरेड फ्रॉम NUMS एंट्री टेस्ट 2021।
ये इसका ऐड है जी, ऐड के अकॉर्डिंग ये इनकी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ से हम लोग जो है वो मज़ीद, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को, यहाँ से आप लोग सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, सिलेबस भी दिया हुआ है। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है ना वो कंप्लीट मेथड, कि आप लोगों ने इसको जो है वो किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे ये देखें इसका सिलेबस दिया हुआ है, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का भी, ये यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, या मतलब कौन कौन सा पार्ट, एवेल्युएशन, एंजाइम्स है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, ये केमिस्ट्री का दिया गया होगा, ये देखें अल्कोहल के बारे में, ये सिलेबस है ना, यहाँ से सिलेबस भी आप लोग उनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं, किन में से पोर्शन आएगा। उसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग, ये लोगों ने डिटेल दी गई हुई है कि इट इज इन्फॉर्म दैट द नॉन एंट्री टेस्ट 2021 रिजल्ट विल आल्सो बी वैलिड फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, BS सोशल साइंस ऑफ हेल्थ, BS पब्लिक हेल्थ, BS साइकोलॉजी, BS वुमेन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, BS बायोलॉजिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। ये लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त है। मैं इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसके बारे में भी बता दूंगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।